हेलो वंडरफुल प्लांट लवर्स, कैसे हैं आप सभी। ये खूबसूरत मेरी जो चंपा की स्टेम है, ये मेरी गार्डनर फ्रेंड है ममता भाभी, उनके घर के गार्डन में ब्लूम कर रहा है अभी एट अ टाइम। मिड दिसंबर से ये स्टिल ब्लूम कर रहा है, अभी जनवरी तक भी अभी भी उनके इस प्लांट में फ्लावरिंग आई हुई है। और ये जो पूरे लीव्स हैं, अभी बहुत से लीव्स उनकी स्टेम में है, बिकॉज इन्होंने लास्ट 2-3 मंथ्स हो गया इनको ये स्टेम इन्होंने ग्रो किया था। और देखिए ये ब्लूम कर रहा है, तो अभी बहुत रेयर देखने मिलता है कि ये टाइम में ब्लूमिंग भी कर रहा हो और लीव्स भी हो प्लांट के अंदर। तो ये वो चंपा है। वैसे उन्हीं के गार्डन में यहाँ पे जो है चिरमी गूंजा, जिसे क्रैब आई कहते हैं, ये इसके फ्लावर है। इसकी वाइन लगी हुई थी और उसमें सीड्स जो है कुछ मैच्योर भी हो गए हैं। इसमें वेरिएशंस भी आती है, मेडिसिनल वैल्यू प्लांट है। साथ ही इसकी हर चीज़ जो है वो मेडिसिन बनाने में यूज़ होती है, चाहे इसकी जड़ें हों, इसकी छोटी स्टैम्प्स हों, इसके लीव्स हों, इसके सीड्स हों, हर चीज़ इसकी यूज़ होती है। और ये देखिए पॉट जो है, ये 8 इंचेस पॉट है जिसके अंदर ये वाइन ग्रो कर रखी है। और ये दिन का राजा जिस प्लांट को कहते हैं, दिन के राजा के ऊपर पूरा चढ़ी हुई है। ये इसके सीड्स हैं, ये देखिए बहुत इजीली जो है ये सीड्स ओपन हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। मैं आगे और दिखाती हूँ आपको। सीड इसके थोड़े से पॉइजनस होते हैं, तो बच्चों की पहुँच से और अगर आपके घर में पैट्स वगैरह हैं तो उनसे आपको थोड़ा सा केयरफुली बचा के रखना पड़ता है। बाकी ये भी जो है सीड्स भी इसके मेडिसिन बनाने के लिए काम में आते हैं, तो ऐसा नहीं है, बट फिर भी केयरफुल होना ज़रूरी है इसके सीड्स के साथ। ये प्लांट के लिए सॉइल जो है सबसे अच्छी बात, ये किसी भी तरीके की सॉइल में इजीली ग्रो कर जाता है और पूरे साल रहता है। ये इसकी जो सीड है ये पूरी पैक है, अभी सीड मैच्योर नहीं हुए हैं, वो देखिए ऊपर सीड जब मैच्योर हो जाता है तो पूरा खुल के जो है सीड बाहर आ जाता है और स्प्रिंकल हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। चुईमुई के सीड नहीं होते, अपराजिता के सीड, जोका के सीड्स हो गए, सेम प्रोसेस है इसका। और ये फ्लावरिंग वाइन स्पाइन है इसका, फ्लावर्स इसके ब्लूम करके ख़त्म हो चुके हैं, अभी सीड पॉट बन के रेडी हो रहे हैं। तो सीड्स ये देखिए बल्क में आते हैं, तो बस यही है कि जब भी आप इसके सीड्स कर रहे हैं, कलेक्ट करें तो केयरफुली रहें, हाथ में ग्लव्स हों आपके। नॉर्मली मैंने नहीं लिए बिकॉज मुझे मालूम है मैं हैंड वॉश कर लूँगी। तो सीड कलेक्ट करते टाइम इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बट यही है कि अगर आपको ग्रो करना है, किसी को देना है या कहीं खाली पड़ी जगहों पर अगर आपको प्लांटिंग करनी है तो इसके सीड आप वहाँ पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। या फिर अगर जहाँ कहीं ये ज़मीन में लगा हुआ है तो जब सीड्स गिरते हैं तो वहाँ पे इसके न्यू प्लांट्स बनके भी जनरेट होते हैं, तो वो भी आप जो है निकाल कर वो भी कहीं पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। देखिए सीड्स इसके क्रैब आई जो है इनकी ब्यूटी की वजह से ही कहते हैं, बिकॉज लिटिल बिट स्पेस इनका ब्लैक है और रेड है। क्रैब्स अगर अपने देखे हो तो बिल्कुल उनकी तरह ये दिखते हैं। प्लांट काफ़ी खूबसूरत वाइन है, अच्छी लगती है, एनुअल है, लीव्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। सॉइल मीडिया मैं बता चुकी हूँ कि कैसे वाटरिंग जो है सॉइल मॉइस्ड होनी चाहिए, बट ओवर वाटरिंग नहीं, और अभी विंटर्स में तो बिल्कुल नहीं। अगर आप टाइम टू टाइम इसका प्रूनिंग करते रहेंगे तो अच्छा से एक छोटे श्रब की तरह भी इसे आप अपने गार्डन एरिया में रख सकते हैं। अभी भाभी के घर में तो बहुत सारे इसके सीड्स आए हुए हैं, कभी इनके गार्डन का ओवरव्यू भी शूट करेंगे, बहुत सुंदर है। और ये देखिए काफ़ी सीड्स मैंने इसके कलेक्ट भी किए हैं क्योंकि ये मुझे भी ग्रो करने में काम आएंगे, और अगर किसी को सीड चाहिए हो तो वो ये सीड शेयर कर सकता है। बट जितना कलेक्शन है उतनी ही बात कर रही हूँ, बस इतने सीड्स इसके अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, नेक्स्ट लॉट का देखेंगे। हैप्पी गार्डनिंग व्यूवर्स, अपने आसपास खूब प्लांटिंग कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।